press the bell icon on the YouTube app and never. अभी को जैन दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है इंडिया भारत पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप देखेंगे, चाहे पाकिस्तान हो या फिर भारत में रह रहे मजहब के ठेकेदार हो, सब पे बहुत जबरदस्त तरीके से भड़क गई दबंग वकील नाजी अलाई खान जी। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। पर भाई, जो बहुत गौर से सुनने की बात है, आप कह रहे हैं कि इसको खत्म कैसे किया जा सकता है, इन ज़ॉम्बीज को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इन ज़ॉम्बीज को, ये इंसान नुमा जो शैतान है, जो ज़ॉम्बीज है, ये कैसे कैसे कंट्रोल में आ सकता है। आप देखिए, आपके आंख के सामने आपसे निकला हुआ बांग्लादेश बहुत डेवलप हो रहा है, बहुत उन्नति कर रहा है। आज भी शेख हसीना साहिबा जो है मोदी जी के साथ बैठी है अपने बांग्लादेश की उन्नति को लेकर के, क्योंकि वहां पर कानून बहुत स्ट्रांग है। अरब बहुत रिफॉर्म कर रहा है, अरब में तो अबॉर्शन भी जायज हो चुका है, अनुमति दे दी गई है कि मुस्लिम अरब में जितने भी लोग हैं, महिलाएं हैं, अगर 3 महीने तक का बच्चा है, जो जब तक वो ब्लड है तब तक वो अबॉर्शन करवा सकते हैं, उसके बाद जब वो मांस हाड़ बन जाएगा पेट में तब उसका अबॉर्शन नहीं हो सकता है। अब आपको लगेगा कि आखिर अरब भी इस्लामिक देश है और पाकिस्तान भी इस्लामिक देश है, तो अरब रिफॉर्म क्यों हो रहा है और पाकिस्तान रिफॉर्म क्यों नहीं हो रहा है। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि अरब में मक्कई इस्लाम चलता है और अल कुरान में जो पनिशमेंट बताया गया है वो वही चलता है। झूठ बोलते हैं जो लोग, जबान काटी जाती है, बलात्कार करते हैं जो लोग, उनके औजार काटे जाते हैं, चोरी करते हैं जो लोग, उनके हाथ काटे जाते हैं, किसी मासूम की हत्या जो लोग करते हैं उनका भी गला काट दिया जाता है। कोई अगर गंदी नजरों से किसी दूसरी औरत को देखता है तो उसकी आंखें निकाली जाती हैं। और कल अगर आपके इस्लामिक देश पाकिस्तान में ये पनिशमेंट को, इस पनिशमेंट को, क्योंकि आपके यहाँ संविधान तो कोई मानता नहीं है, आपके यहाँ कानून तो कोई मानता नहीं है, अगर कानून मानता होता तो बड़ी बड़ी नालों के बंदूक लेकर के पुलिस स्टेशन में घुस जाता, पुलिस स्टेशन में घुस करके गोली चलाना स्टार्ट कर देता, और आज आराम से वो लोग कह रहे होंगे कि हमने तो अल्लाह के नजर में काम किया है, एक 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 36 साल के युवा का चीथड़ा उड़ा करके। तो अगर ये, अगर वाकई में इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान, अगर वाकई में इस्लाम मानते हैं आप लोग, तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान के वो युवा जो पाकिस्तान को डेवलप करना चाहते हैं, पाकिस्तान के वो लोग जो पाकिस्तान को बहुत सुकून वाला देखना चाहते हैं, उनको इंटरनेशनल कोर्ट में जा करके इस्लामिक पनिशमेंट के लिए एक अपील करनी चाहिए कि अरब की तरह, अरब इस्लामिक कंट्री है तो पाकिस्तान भी इस्लामिक कंट्री है, तो पाकिस्तान में इस्लामिक पनिशमेंट लागू किया जाए। ये पाकिस्तान के मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जो पाकिस्तान में रहना चाहते हैं, मोहब्बत करते हैं उस सरजमीन से, वहां की आबो हवा से मोहब्बत करते हैं, लेकिन मजबूर हो रहे हैं कि दिशा और दशा दोनों बिगड़ता चला जा रहा है। ना मर्द सेफ है, ना बच्चा सेफ है, ना बच्ची सेफ है, ना औरत सेफ है, ना माहौल सेफ है, और ना ही पाकिस्तान से जुड़े हुए जितने भी डिस्ट्रिक्ट और जितने भी शहर है वो सेफ है, ना इंसान सेफ है, ना सरकार सेफ है। अगर कोई भी सेफ नहीं है तो वो देश कैसे सेफ रह सकता है। इसका हवाला दे करके जितने भी वेल एजुकेटेड लोग हैं जो पाकिस्तान से वाकई में मोहब्बत करते हैं, उनको सीधा इंटरनेशनल कोर्ट में एक अपील लेकर के जाने की जरूरत है, और उस अपील में ये लिखने की जरूरत है कि पाकिस्तान के संविधान से 77 साल में पाकिस्तान बद से बदतर हो चुका है, और अरब इस्लामिक पनिशमेंट को चलाते हुए आज अरब रिफॉर्म कर रहा है और हर तरीके से बहुत बहुत तरक्की याफ्ता है। सो इट्स बेटर कि पाकिस्तान इस्लामिक देश में भी इस्लामिक पनिशमेंट जो है वो जारी किया जाए, और इंटरनेशनल कोर्ट ही इस बात को तय करे कि उस इस्लामिक पनिशमेंट के जो लॉ मंत्री होंगे और उनके जो कर्ता धर्ता होंगे, उनके जो ब्यूरोक्रेट्स होंगे, वो वही सेलेक्ट करें। और जैसे ही आप देखिएगा कि पाकिस्तान में इस्लामिक पनिशमेंट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, सारे धर्म के मजहब के ठेकेदार
सबसे पहले बाहर आकर के विरोध करेंगे, वो कहेंगे इस्लामिक पनिशमेंट हम नहीं मांगेंगे। और वही वक्त होगा जब आप जैसे लोग और युवा जो वाकई में पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता देखने चाहते हैं, वो जा करके हिजाब उनको दीजिएगा कि तुम्हारा हिजाब उठ चुका है, अब तुम ये ओरिजिनल हिजाब पहनो। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अच्छा मैं आपने जो बात की थी कि जी जो छोटे बच्चों के साथ जो रेप है, सिंध के अंदर एक वाकया हुआ था, आज से कुछ तकरीबन 6 माह पहले की बात है। एक इसी तरीके से 10 साल की बच्ची थी, फातिमा नाम था उसका, उसके साथ एक वडेरा जो था वो डेली ज्यादती करता था और उसकी बीवी जो है वो उस जुर्म में उसके साथ मुलव्वस थी। ये एक माइंडसेट समझ से बाहर है कि ये जो जिस तरीके से आपने ये एक मौलवी की भी बात बतवाई कि उसकी बीवी भी उसके साथ मुलव्वस थी, ये समझ से बाहर है। ये इस तरह के जुल्म और ज्यादती करते हैं और उनकी बीवियां भी उनके साथ मुलव्वस होती हैं। देखिए हमारे भारत में हम पॉलीगेमी के खिलाफ आवाज उठाते हैं, सर्वोच्च न्यायपालिका जाते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और वहां पर हम लोग एप्लीकेशन डालते हैं, पिटिशन डालते हैं कि पॉलीगेमी बंद होना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आप देखिए, हमारे यहाँ डेटा के हिसाब से 20 करोड़ मुसलमान रहते हैं 72 फिरके को मिलाकर के। अब जब हम इतना बड़ा स्टेप लेते हैं पॉलीगेमी जैसी चीजों को या निगाह मसीहा यात्री निगाह जैसी चीजों को खत्म करने के लिए, तो 20 करोड़ की मुसलमान की आबादी में भारत में मान लीजिए हम मान लेते हैं कि 7 करोड़ तो मुसलमान बहनें हमारी होंगी, मुसलमान औरतें होंगी, तो क्या वो 7 करोड़ मुसलमान बहनें हमारा साथ देती हैं, हमारे पास आकर के खड़ी होती हैं? नहीं खड़ी होती हैं। तो इसका मतलब है कि इस 7 करोड़ मुसलमान बहनों में कुछ ऐसी बहनें हैं जो एक मर्द के साथ 4-4 बीवियां सलवार खोलना पसंद करती हैं, अपने बेटियों को अपनी बच्चियों को जानबूझ करके पैसे के लालच में निकाह मसियार के नाम पर इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर बेचती हैं, जानबूझ करके अपनी बच्चियों को इस्लाम के जस्टिफिकेशन पर मौलवी मौलानाओं को परोसती हैं और देती हैं कि रिलीजन इस्लामिक पढ़ाई के मार्फत ये अपना खरक भी मिटा लेगा। अदरवाइज मैं काफी हूँ अपने बच्चे को इस्लामिक तालीम देने के लिए, मुझे क्या जरूरत है किसी दलाल की, मुझे क्या जरूरत है किसी मौलाना की। मैंने अल कुरान पढ़ी है, बामाई ने पढ़ी है, कई भाषाओं में पढ़ी है, मैं आराम से पढ़ा लूंगी, मैं उसको आराम से बता दूंगी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, 4 कुली तो पढ़ाना है, इस्लामिक जो प्रीचर्स होते हैं उनकी थरकबाजियों को लिहाज रखते हुए कि बीवी से बेचारा बोर हो गया होगा करते करते, तो मेरी बेटी के साथ करो, लो 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 मेरी बेटी के साथ, मेरी बेटी 10 साल की हो गई, लो इसको ले लो, इसको ले लो। आप इस्लामिक मौलाना है, आप इस्लाम के मानने वाले हैं, आप मौलाना साहब है, आप हम लोगों को नमाज पढ़ाते हैं, बहुत बड़ा आपका एहसान है हमारे ऊपर, अल्लाह ने आपको भेजा है हमें नमाज पढ़वाने के लिए, तो ये लीजिए मेरी 10 साल की बेटी, आप इसका सलवार खोल दीजिए। अदरवाइज अगर ये इंटेंशन नहीं होता तो मैं काफी हूँ अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाज़िया लाई खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा। तो अगर हम बात करें चाहे पाकिस्तान की, जहाँ पे ब्लास्फेमी के इल्जाम पे एक इंसान को मार के जला दिया गया, चाहे फिर हम बात करें भारत और पाकिस्तान के मदरसों में जहाँ पे दिन ब दिन बड़े से बड़े कांड होते जा रहे हैं जिसके बारे में नाज़िया खान जी ने खुल के बात की, तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।